नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, बांग्लादेश में मैं जिस ग्राम में रहा वो बहुत ही खूबसूरत एक ग्राम है और उस गांव में मैंने 4 दिन रहा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उस गांव से विदा लेने से पहले आखिरी दिन और वहां पर मैं क्या क्या एक्टिविटी करता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरियाली से भरा ये खूबसूरत ग्राम है। मैंने बच्चों के साथ वक्त बिताया। একজন বলবি আমার দেশ তোমার দেশ, বাকি সবাই বলবি বাংলাদেশ। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমার দেশ তোমার দেশ, আমার দেশ তোমার দেশ। আস পড়োস কে বুজুর্গো সে মিলা, উনসে বাতে কি বহুত সারে জানকারিয়া মিলা। গর বান্দা বাসকুচ কবাব নাকি আরে কিছু বাস আকি মহাদেব আইছে, এই বাসকুচ কিছু নেই। গর বান্দা চেহারাই বুঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেহারাই বুঝা যাচ্ছে। আপনার কাকার মতন সাইড আছে। আচ্ছা, कोलकाता नामी आशा में थकी। इस बैंड वाले से भी मैंने मिला, इनके बारे में जानकारियां ली। की करे छिले बोलो? कोई बैंड पार्टी बाजना था तो नवाजा। बता रहे कि बांग्लादेश सरकार की ओर से उनको जो आर्टिस्ट यानी शिल्पियों को जो एक पेंशन टाइप का अमाउंट दिया जाता है, ये इनको भी दिया जाता है। कत टका दे? 14,400। तो भालो दिच्छे। इनका मेडल वाह। ये बजाने के लिए इनको ये मेडल। वाह वाह, 10,000 टका, वेरी गुड। सब बुझी? तू हिंदी बोलते परिस? ना। ताहले ओ तो हिंदी का था। बोल हिंदी की बोलते परिस? हिंदी पारी ना। हिंदी गान सुनिस? सिनेमा देखिस? हां। झूमे जो पठान मेरी जान, सुनिस ये गान? हां। अरे के एटा के हीरो के बोल? अरे अत की मने आसे ना की? केनो मने आसे? तो नूतन छवि। শাহরুখ খানের নাম শুনেছিস? হ্যাঁ। আর এটা শাহরুখ খান, এই হলো ছোট শাহরুখ খান। এসে বাচ্চা হলো না? আরে স্টিকার লাগাই দিবেন না। কিসের স্টিকার? ইয়েস রাম, তোর চামড়া খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মেরে আনে পর আপনো কে পোখরি সে মেরে লিয়ে মছলি ভি পকড়া গয়া। अरे वाह, बारीर माछ, बारीर माछ, वाह ताजा ताजा। एरे ना बोले बांग्लादेश। चलो रुई माछ, वाह तो कत रेजी लालम ना एक इंडिया छाड़ी दे खाटी दे ना खाटी गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए। बड़ा फिर सूझ जरा माड़ी का दोनों काफी ओर से माड़ी काफी जैसे और गुली अस्से माने दिन कहना पहुंचा सट्टे एक बार मार से खाली खेली बिलंग है राजा का ये आवाज ही बांगली बहुत वाले खाई भरी खूब बालो आसे मिली मिशी है। फिर मैं निकल पड़ा इधर उधर कुछ वक्त बिताने के लिए। खूबसूरत मंदिरों का दर्शन भी किया। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण भागो तक। फिर लोगों से मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं छोटी सी दुकान में आया हूँ, यहाँ बोल रहे संदेश, तो उसको एक बार खाता हूँ। सुबह सुबह नाश्ता एक्चुअली किया नहीं अभी, तो यही पहला खा रहा हूँ। काफ़ी स्वादिष्ट है, शायद शहरों में इतना अच्छा जो है छाना वगैरह नहीं मिलता जितना आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी टेस्टी है। तो इतना कुछ आ गया मेरे लिए नाश्ते में। और ये दादा जिन्होंने मेरे पिताजी को भी देखे थे बचपन में जब थे। और यहाँ सब भाई है। ये सब भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, सिंगारा खाचो? सिंगारा एखने कत करे बिक्री करे? 5 টাকা। अच्छा वाह। हाँ,
ठाकुर साहब दोस्तों आप चलिए बांग्लादेश में आकर यहाँ के पुखड़ी में एक बार नहा लिया जाए, क्योंकि तालाब में ना नहाए तो बांग्लादेश का सफर अधूरा रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ पानी के अंदर, जबकि मुझे तैरना नहीं आता है। अब मैं उतर चुका हूँ पानी में। ओ मेरे साथी खिलाड़ी है, मजा आ गया। এইদিকে আয়, সামনে আয়। ना भी सतर पड़ी ना। फिर मैं चल दिया यहाँ के हाट बाजार देखने के लिए। यह है यहाँ का हाट बाजार। तो किन्हें मास तो दिल সময় টিভির চ্যালেঞ্জে মাছ মুখে লাগাও। ইংলিশ মাছ বড়টা কইলে তো বোঝে না। প্রথম রোজায় কালকে প্রথম রোজা শুরু। এই গুড়টা একটু টেস্ট করা যাবে? হ্যাঁ নিয়ে আমি এটা খাবো। কি করে তুলবো? বাহ, এটা বহুত টেস্ট, অনেক ভালো। বলো তোমার নাম কি? এটা তোমাদের দোকান? তুমিও বসো দোকানে? মা বসে। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? টেনে। हाट से लौट कर आया तो मेरे लिए तैयार था अपने ही बगीचे के डब। এখন কি গুলো নিয়ে যাবে? না না। হ্যাঁ আচ্ছা, কবে নেবে? আচ্ছা কেটে রাখলে এখন একবারে? আচ্ছা ঠিক আছে। अपने बाड़ी का कटहल ये लोग बड़ा मज़ा ले रहे, और अभी अभी मैंने भी खाया, बहुत ज़्यादा मीठा भी है। शाम होते ही फिर मैं निकल पड़ा यहाँ के बाज़ार। शाम के बाद यहाँ के लोगों से इसी जगह पे मिला जाता है,
चारों ओर से लोग आते हैं, दुकानें खुले होते हैं, चाय का जायका लिया जाता है और गपशप होती है। मैं भी इनके साथ यहीं पर ही वक्त बिताया करता था। शाम के 7 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी दुकानों में खरीद बिक्री भी चल रहा है और लोग चाय की दुकानों में। तो दोस्तों देखिए, शाम को यहाँ पर आने पर जो भी मिलते हैं सभी चाय ऑफर कर रहे हैं, बेबी चाय का ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह का चाय का अड्डा बैठता है और दोस्ताना माहौल बनता है। ये देखिए दुकान में इस तरह से चाय की तैयारी हो रही है और अभी हमने भी यहाँ पर चाय पी कर गए हैं। ये दादा ने हमें बुला कर लाए हैं और चाय पिलाए हैं और ये देखिए सब लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गपशप करते हैं और साथ में टीवी चलता रहता है जहाँ पर आमतौर पर भारत के चैनल ही देखते हैं लोग। दादा भलो अच्छे तो इस बार भी देखिए पहला शाम का चाय मैंने यहीं पे किया था। ये देखिए सब लोग चाय पी रहे हैं और साथ में टीवी देखकर आनंद उठा रहे हैं। तो पहला शाम का चाय मैंने इसी जगह पे पिया था। इधर भी चाय बन रहे हैं। ये तू लोग ध्यान लग गए। हाँ बस एक ही है सब जगह का हालत, चाय टीवी गपशप। रात्रि बेला एक बार तू लेनी पान बना रहे थे। तो ये इस जगह का माहौल है। सुबह से रात तक यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ रहते हैं। दवाई की दुकान है, आशीष सर है जो मैंने। आप में एक पान दुकान में बैठा हूँ और ये जो भाई है ये भी नारायण है, सही तो है। और इनसे मैंने काफी सारे गप लगाए बांग्लादेश के बारे में, इनसे मैंने काफी सारे जानकारियाँ ली और अपने भारत के बारे में भी इनको थोड़ा बहुत मैंने जानकारियाँ दी। और बड़े अच्छा है, दिल खोल के बातें करता है, मजाक भी करता है, थोड़ा बहुत डाउट भी करता है। नहीं मजाक किया, अच्छा भाई है, बड़ा प्यारा है। फिर पड़ोस के गांव में एक काली पूजा में उपस्थित होने का भी मुझे अवसर मिला। फिर रात को अपनों के साथ कुछ गीत संगीत का आनंद भी मैंने लिया। I'm not afraid to die.
इसके बाद में इस गांव से निकलकर फिरोजपुर होते हुए बोरिशाल होकर पौदा सेतु पार करके मैं ढाका पहुंचता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।